सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। प्लान ये है कि अब हम डैम चौक जाएंगे, यहाँ से 26-27 किलोमीटर नीचे आए तो लास्ट विलेज है हमारा इंडिया का, और उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे, उसके बाद सीधा अपना हल ले जाएंगे। बहुत ठंड है, माइनस में यहाँ टेम्परेचर नहीं आता। और ये है BRO कैफे सामने, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, 19,024 फीट। तो निकल रहे हैं उमगला से, तो ये हमारे अल्ट्रोज वाले भाई वापस जा रहे हैं, जन्मे भी आ गई है, तो हम निकल रहे हैं डैम चौक को। 25-26 किलोमीटर आगे जाना है, फिर वापस आना है इसी रूट पे। वो चलाई थोड़ी टफ है, उतराई इजी है। तो आईबेक्स देखो, वो सामने जा रही है आईबेक्स, ये ऊपर चढ़ रही है आईबेक्स, वो ये सामने आईबेक्स, ये पहाड़ी भेड़ कहते हैं इसको, ये देखो आईबेक्स। एक 12 किलोमीटर से कंटिन्यू हम नीचे अपना इन डिक्लाइन कर रहे हैं, 12 किलोमीटर से कंटिन्यू, 14 किलोमीटर रह गया, और डैम चौक जाते समय फिर हमारी लगेगी वाट, क्योंकि पूरी क्लाइम करनी पड़ेगी हमें, जो अभी डाउन आ रहा है वो उतना ही क्लाइम करना पड़ेगा। तो ये रास्ता है डैम चौक का, आप देख रहे हैं डैम चौक का वे, और आगे जाके चाइना की पहाड़ियाँ लोकेशन शुरू हो जाएगी। ये हमारा इंडिया का आखिरी गांव है जो इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर है, डैम चौक 14 किलोमीटर रह गए हैं। तो पहला आयरन ब्रिज मिला है उमंगला के बाद, और पूरा व्यू चेंज हो गया यहाँ से। तो ये सामने मैदान आ गया पूरा, ये देखिए सामने पूरा मैदान है डैम चौक, 12 किलोमीटर और जाना है। ब्यूटीफुल व्यू, क्या मज़ा आ रहा है देख के डैम चौक। आई थिंक वो गांव है डैम चौक, ये आर्मी का कोई सेंटर होगा। तो अभी तक हमें एक व्हीकल नज़र नहीं आया, ना आता हुआ ना हमारे साथ जाता हुआ, और हम अकेले हैं इस रोड पे। 27 किलोमीटर तक अभी तक कोई मतलब कि व्हीकल नहीं आया है। हम पहुंच गए हैं, वी डिड इट डैम चौक, और हम पहुंच गए हैं डैम चौक, 0 किलोमीटर। व्हीकल पार्किंग, वाह वाह, डैम चौक कैफे, ये सारे बंकर्स हैं ऊपर, सारे बंकर्स। तो गाइस हम हैं अभी डैम चौक कैफे में, और हमने ऑर्डर किया है पराठा और मोमोज, और ये दो भाई भी हमें मिल गए यहाँ डैम चौक में। नाम क्या है आपका? युवन कार्तिकेन कार्तिकेन। तो ये भाई भी दिल्ली से आए हैं बाइक लेके, और हमारे साथ यहाँ मिले हैं डैम चौक में। तो बस अभी हम करते हैं अपना लंच, फिर निकलेंगे आगे। डैम चौक गाँव है आगे, 3-4 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, और एक राउंड मार के फिर सीधा निकलेंगे उमगला होते हुए अपना हाल ले। तो गाइस हम डैम चौक में हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं ये चाइना टेरिटरी है, जितने पहाड़ है, और इंडस रिवर के परली तरफ चाइना है, और आगे गांव है लास्ट, जो हम चेक पोस्ट पे रुके थे वहां से 2-3 किलोमीटर के बाद है वो गांव, और यहां पे एक हॉट स्प्रिंग भी है। हम आ गए हैं डैम चौक के
गांव में, ये आखिरी गांव है हमारा, और इसके बाद चाइना टेरिटरी शुरू हो जाती है। ये इंडियन टेरिटरी का आखिरी गांव है डैमचौक, वे टू स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग। तो हम निकल रहे हैं गांव के अंदर से। ये भी बेचारे बिल्कुल कटे हुए हैं पूरे इंडिया से। ये देख लीजिए गांव यहाँ का डैमचौक का, ये घर बने हुए, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, इतनी दूर बियाबान में आखिर में। और सामने, और हमारे सामने है चाइना के दुश्मन झूले, हॉट स्प्रिंग, हॉट सीधा। तो गाइस हम खड़े हैं इंडस रिवर के इस तरफ, इस तरफ इंडिया है, उस तरफ चाइना है। वो सामने आप देख रहे हैं वो मकान जितने बने हैं वो सब चाइनीज मकान हैं, वो भी उनकी पोस्ट है शायद, वहाँ पे भी चाइनीज हैं। हाँ जी नमस्कार, आगे क्या है ये? हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग, अच्छा कहाँ पर है ये? सामने ये जो टेंट लग रखे ना ये, हाँ हाँ टेंट पे, यहाँ पे जाओगे यहाँ से आगे ले जाओगे आप। अच्छा ये गांव है या? ना गांव ही है, इनकी पूजा चल रही है ना ये 5-4 दिन से। अच्छा अच्छा, तो ये हर एक गांव से आ रखे लोग, ये जो अगल बगल के गांव। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ लाते हैं, वहाँ से गर्म पानी निकलता है, वहाँ से देख के आप वापिस हो जाओ। ठीक ठीक है, आगे ले जा पाओ। तो 4-5 गांव वाले लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए पड़े हैं हॉट स्प्रिंग पे, वहाँ पे पूजा चल रही है। झूले झूले हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? तो हॉट स्प्रिंग हाइड्रेटेड कैंप, झूले हॉट स्प्रिंग कौन सा है? हॉट स्प्रिंग, अच्छा ये रहा सामने। तो गाइस मैं हूँ अभी डैमचौक में और ये है हॉट स्प्रिंग, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए गर्म पानी का स्रोत हॉट स्प्रिंग, ये ऊपर से आ रहा है यहाँ से। और ये 7 दिन का मेडिकल कैंप लगा हुआ है हॉट स्प्रिंग पे। यहाँ का कोई ट्रेडिशन है समर और स्प्रिंग में 7-7 दिन का कैंप लगता है। अब दूसरा कैंप लगेगा सितंबर में। तो ये जो सामने पहाड़ है चाइनीज़ पहाड़ है, और रास्ता जो देख रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, वो परली तरफ भी चाइनीज़ है। तो ये है ओरिजिन हॉट वाटर का, ये जा रहा है इधर, और इसकी मेडिसिन वैल्यू है। तो 7 दिन का मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, और हमारी बाइक्स वहाँ खड़ी है। ये चाइना, वो चाइना, ये इंडिया। ग्रेट यार, बहुत कुछ अचीव हो गया आज। चलते हैं अब हार्ड मेहनत है। उमिंगला को हमने चढ़ना है पहले, फिर उतरना है, फिर फोटीला को फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, 2 पास करने हैं अभी। और तो वाटर स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग से हम निकल गए हैं। यहाँ पे 7 दिन का मेडिकल कैंप लगा हुआ है, इसमें नहाते हैं, पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी आज की, और आपको कैसे लगे एक कमेंट जरूर करना भाई। और कुछ भी इंक्वायरी हो तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है jat_on_wheel। कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको देखिए कितना एंटरटेनिंग और कितना एडवेंचरस टूर कराते हैं हम। तो आप सीधा जाएंगे उमिंगला, उमिंगला पे हम मिलते हैं आपको। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू, ये देखिए डैमचौक से हम अब जा रहे हैं हल्ले की तरफ, और ये पूरा मैदान आया हुआ है बीच में। ये सामने है चाइना, ये है इंडिया, क्या बात है, बहुत ही शानदार। बेड़े 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 ये यहाँ पे रहते हैं खाना बदोश, ये सामने जितने टेंट लगे हुए हैं ये सब बेड़े बूढ़े चलाते हैं यहाँ पे आके इतनी दूर आके।
सामने मिंगला की माउंटेन आ गई है। अभी भी हमें 5-6 किलोमीटर जाना है, वो सामने ऊंचाई पे पूरे ये जिग जैग करते हुए सबसे ऊपर जाना है, तो आ जाएगा उमिंगला पास। एट लास्ट हम वापसी आ गए हैं उमिंगला पास पे, 19,025 फीट की हाइट पे। लगभग 16 किलोमीटर रह गया है और ये व्यू देख लो, बहुत ही शानदार व्यू है यार। 8-9 किलोमीटर हम उतर आए हैं उमिंगला से, चुसुमले 14 किलोमीटर, 11 किलोमीटर उतर आए हैं, 11-12 किलोमीटर चुसुमले में पहुंच गए हैं और ये सामने ब्रिज आ गया है। तो बस अब ये यहाँ मैंने कावा मंगाया है, ये कावा पी के अब ये कावा पी के निकलेंगे। बहुत सर भारी हो रहा था, मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। आगे फोटीला पास है, फिर उसको भी क्रॉस करना है, तो थोड़ा रिलैक्स होके निकलेंगे यहाँ से। अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 आवर्स मैक्सिमम पहुँच जाएंगे हम अपने होम स्टे में हनले में। और ये है इनका ढाबा रेस्टोरेंट, ये आ गए हमारे बाइकर भी। चुसुमले में हमने कावा पिया, कश्मीरी कावा, और यहाँ पे स्टे भी मिल जाता है। 2 टेंट हैं यहाँ पे, ये एक टेंट है और ये टेंट। तो ये भाई आए हैं, कह रहे हैं आज हम यहीं स्टे करेंगे, तो यहाँ भी जगह मिल सकती है आप अगर हनले में ना रुकना चाहें तो। ओके गाइस, बाय बाय। तो ये ब्रिज आ रहा है सामने, ये ब्रिज यही है मेन जो आपको वीडियो बनाइए, वीडियो हेलो वीडियो बना। तो ये है टी पॉइंट, वाई पॉइंट जंक्शन, ये जाता है निर्विला का और लेफ्ट को सीधा जाएगा फोटीला को, और जहाँ से हम आए हैं वो है अपना मिंगला। तो फोटीले पास यहाँ से 7 किलोमीटर है और ये व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और 2-3 ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं, ये भी एक और ब्रिज आ रहा है। अभी आइस बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल कम पानी है, जितने भी स्ट्रीम्स हैं ये वाटर स्ट्रीम्स। तो आयरन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और सामने देखिए कितना भयंकर बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालयस। तो एक ये पॉइंट आया है जिसमें आई थिंक लेफ्ट जाना पड़ेगा हिमालय के लिए, सीधा जा रहा चुसुमले, पीछे से रोड आ रही है, कोयले गांव कोई है वहाँ पे चुसुमले, यही जाना है ना। तो हनले के लिए हम मुड़ गए हैं, फोटीला टॉप 27.5। अच्छा फोटीला टॉप तो आएगा अभी, 27.5 किलोमीटर है अभी फोटीला टॉप। वो फोटीले गांव आया था, फोटीले टॉप अभी आएगा। और ये व्यू देख लो, ये रास्ता देख लो, अमेजिंग। सुबह 8 बजे निकले थे अपना हनले से, 12 बजे पहुंच गए थे उमिंगला, और फिर 1-1.5 घंटे में नीचे पहुंच गए थे गांव में। जिग-जैग चढ़ाई चढ़नी है अभी हमें फोटीले पास के लिए, और बहुत सारे हेयर पिन बैंड आएंगे ये ऐसे, फोटीला को चढ़ते भी फोटीला से उतरते भी। ये सामने आयरन ब्रिज को भी क्रॉस करना, ये जाना ऐसे ऐसे सबसे ऊपर माउंटेन के ऊपर, और इस माउंटेन को क्रॉस करके आगे जाएंगे फिर। और ये आ गया आयरन ब्रिज, बहुत सारे आयरन ब्रिज आज क्रॉस करे हैं। ये है 24 आर,
ये 2 साल से ही खुला हुआ है उमिंगला पास, और रोड भी बना दी है BRO ने, बहुत बढ़िया BRO, ग्रेट। तो ये रास्ते से आए हैं सामने, वो लंबी लाइन दिखाई दे रही है, वो रास्ते से आए हम। नीचे वो फोटिला गांव है, अब हम जा रहे हैं फोटिला टॉप पे। व्यू पॉइंट के लिए रुका हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत है व्यू पॉइंट, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। और ये पिन बैंड्स, वो गाड़ी आ रही है वहाँ से आए हम, ये सारे जिग-जैग पिन बैंड को कवर करते हुए चलते हैं। अब ये देख लो जिग-जैग, ये कितना ऊपर अभी चढ़ना है हमने माउंटेन पे, बाप रे, अभी इतने तो चढ़ के आ गए हैं और इतना और ऊपर तक जाना है पूरे माउंटेन के ऊपर। ये सारे जिग-जैग जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंब है इस पे फोटिला पे, तो अभी भी बहुत ऊपर जाना है, बाप रे। 27.5 किलोमीटर की क्लाइंब है पूरी, नीचे लिखा हुआ था। तो देख लीजिए कितने सारे हेयर पिन बैंड्स, और लगभग पहुंच गए हैं, आगे है शायद ये फोटिला पास का टॉप, मोर देन 18,000 फीट पे है ये फोटिला। तो हम गाइस पहुंच गए हैं फोटिला पास, 18,124 फीट हाइट पे। वेलकम यू टू द वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास, फोटिला पास। तो गाइस हम वर्ल्ड के 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास पे पहुंच गए हैं, फोटिला पास। मैं दिखा देता हूं आपको, ये है फोटिला पास, 6th हाईएस्ट पास, मोटरेबल पास। और ये हमारी दोनों खड़ी है, और ये माउंटेन का व्यू चारों तरफ का, ये देख लीजिए, बहुत ही जिग जैग करके आए हैं हम, बहुत ज़्यादा जिग जैग हुआ है आज, अब जाते समय भी उतना ही होगा। और फोटिला पास को अब हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये व्यू देख लीजिए सामने का, बड़ा खतरनाक व्यू है ये तो, बाप रे। और ये जिग जैग बैंड सारे देखो, और वो हल्ले आ जाएगा। तो ये ऊपर आ गए हैं फोटिला से, कितना ऊपर से आए हम, लगभग उतर चुके हैं, और अभी भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हल्ले का हमारा। बीच में शॉर्टकट बहुत आ रहे थे, मैंने एक ही शॉर्टकट लिया है, उससे काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाता है। 6 बजे हम पहुंच गए हैं, सुबह 8 बजे चले थे। अब रूम पे जाके बात करते हैं आपसे फुल डिटेल्ड, और अब जा रहे हैं अपने होम स्टे में, देखते हैं वहाँ चाय नाश्ता मिलता है, चाय नाश्ता पियेंगे, फिर आगे रात को स्काई देखेंगे। भयंकर वाली ठंड थी, भयंकर ठंड थी। और ठीक ठाक आ गए? ठीक ठाक आ गए थे, हम तो 2 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, हम 6 बजे आए हैं। हाँ, वहाँ तो आर्मी के बहुत सारे वो थे, कोई भी नहीं मिला, कोई भी खतरनाक रोड। ये अच्छा था ना, ये ज्यादा बढ़िया था, एक इसमें बस वो चढ़ाई थी, थोड़ी सी चढ़ाई थी, और ये तो उतर के पागल, पहले चढ़ के पागल हो गए। हाँ, पहले चढ़ के पागल हो गए, फिर उतर के पागल हो गए, मैं कहा यार ये क्या है।